बस इश्क मोहब्बत प्यार। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो टुडे वी आर गोइंग दिल्ली टू नैनीताल। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आपको कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको कौन से स्टेशन पे उतरना है, कौन से गेट नंबर पे उतरना है। सो अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, आपको फर्स्टली चांदनी चौक आना है। चांदनी चौक से गेट नंबर 3 से अगर आप उतरोगे तो डायरेक्ट आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही बाहर निकलोगे। तो हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आने वाली है, बट यहाँ पे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर्स का काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। 5 भी एक ही है, 6 भी एक ही है, बट आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा 5 के लिए और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा 6 के लिए। तो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है दिल्ली टू काठगोदाम। ट्रेन का नाम है उत्तर संपर्क स्पेशल। हम हैं अभी काठगोदाम में। हमारी जो ट्रेन थी वो काठगोदाम तक लास्ट थी, तो 6.5 घंटे लगभग की हमारी ट्रेन थी। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और हम काठगोदाम में हैं। यहाँ से 7 ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 घंटा लगता है सिर्फ जाने में नैनीताल। बट रात को क्या है, हमें पर्सनल टैक्सी करनी पड़ती और उसमें हमारा खर्चा हो जाता बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा रात को वहाँ भी रुकना है, यहाँ भी रुकना, तो हम यहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 रुपये का मात्र एक छोटा सा रूम बुक किया है, काफ़ी छोटा सा है। और अब हम यहीं रुकेंगे। सुबह हम लोकल बसेस 5 बजे से बसेस चलना स्टार्ट हो जाती है। 5 बजे से हम 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे बसेस में, बस वगैरह में, और सुबह सुबह हम नैनीताल पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जाके हम जो भी करेंगे आई विल अपडेट यू। नैनीताल काठगोदाम पे हमने स्टे किया, फिर उसके बाद हमने वहाँ से बस पकड़ी है जो कि 65 रुपये पर पर्सन हमको लगा। अभी हम नैनीताल झील पे गए हैं, बट आपको पीछे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि कोहरा हो जाता है सुबह सुबह। यहाँ पे अगर आप बोटिंग वगैरह करनी है सुबह सुबह करनी पड़ेगी, तभी आपको व्यू मिल पाएगा। बाकी अगर आप उसके बाद करोगे तो पूरा कोहरा मिल जाता है। अभी हम चल रहे हैं माल रोड में झील के किनारे। यहाँ का नैनीताल का जो मौसम है लो भी सो है, मतलब कहीं कहीं पे आपको एकदम घना कोहरा दिखेगा और कहीं कहीं पे आपको एकदम से ऐसे साफ मौसम दिखेगा। यहाँ एक साइड झील है और एक साइड आपको पूरा यहाँ पे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। 5 स्टार भी है, 3 स्टार भी है, और भी जो भी टूरिस्ट वगैरह नॉर्मल होते हैं वो भी है। तो अगर आपको यहाँ पे होटल्स चाहिए, अभी हम तल्ली ताल में हैं, बेसिकली तल्ली ताल वाला माल रोड है ये। यहाँ पे बगल में होटल आपको दिख रहे हैं और ये आपका नैनी झील। तो हमने यहाँ पे होटल ले लिया है। अच्छा, दिस इज़ आवर रूम। काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड रूम है। डबल बेड, खिड़की के बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको। पूरा वुडन कवर रूम है, ऊपर से अलमीरा दिया हुआ है। वॉशरूम
काफी अच्छा है, क्लीन एंड क्वाइट बिग। गीजर लगा हुआ है, शॉवर भी है, और चलिए यहाँ से आपको अभी बालकनी दिखाता हूँ, कितनी ह्यूज बालकनी है यहाँ की। ह्यूज टेरेस है इस होटल की, होटल धनुरानी। सो हमने ले लिया है होटल, अब हम होटल में चेक इन वगैरह करके केव के लिए जा रहे हैं। होटल हमने थोड़ी सी हाइट पे लिया है। ओके सो अगर आपको कुछ फन एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए यहाँ पे काफी अच्छा इन्होंने गेमिंग प्लेस बना रखा है। एंट्री फन बॉलिंग, बॉलिंग का हिसाब किताब भी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है हमको माल रोड के लिए। काफी अच्छा रूम मिल गया हमको यहाँ पे बजट में और माल रोड के एकदम नियर बाय, बस 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा भी है, मार्केट की चिक चिक से अच्छा है, शांति पीस में है हमारा होटल। दुल्हन के साथ छोटी बहन का मेकअप फ्री, क्या स्कीम चलाई है नैनीताल में। सो ये है मल्लीताल की मार्केट, काफ़ी ब्यूटीफुल, सुंदर, काफ़ी अच्छे से सजाई हुई है। अगर आप यहाँ पे होटल लेते हो तो अभी आपको मतलब काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है आगे का पीछे का सब। आगे से आप मार्केट देख सकते हो, पीछे से आप लेक देख सकते हो। स्वागत है यहाँ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए, आप 6-6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत। आपको कुछ इस तरीके के झूले देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, हम नहीं झूलेंगे बट हम बाद में झूलेंगे। बुल राइड आवाज आ रही है, टाइगर केस कहाँ है, अंतरा कहाँ है, आ रही है, आ रही है, कुछ करो ना। चलो ऐसे ही चलो चलो चलो, धीरे 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 धीरे, वेट वेट वेट, पापा आ गए। दो कोई बात नहीं, तो आ रहे हैं, अंदर सीढ़ी भी नहीं है, गोदी में ले लेंगे आपको। तुम्हें टिकट ही निकली क्या बात, चलो आपका नाम चलो मुझे बोला। तो ये जो केव है थोड़ी सी डेंजर है, क्योंकि रोड कह रहा हूँ जो जाने का रास्ता है वो सही नहीं है जितना होना चाहिए।
चलने के लायक। यहाँ पे काफी सारी केव्स हैं, बट हमने एक केव देख ली, बहुत है। अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। आप कई तरीके के झूले भी देखने को मिलेंगे, बच्चों के लिए अच्छा प्लेइंग जोन भी बना रखा है। आप बच्चों को यहाँ पे बिजी कर सकते हो झूले झूलने में, और आप केव के अंदर जा सकते हो, क्योंकि बच्चों के लिए वो इतना सेफ नहीं है केव में जाना। सो यहाँ पे आप 3D पिक्चर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। टू स्टैंड हियर, स्टैंड द मार्कर। सो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। लेट मी शो यू हाउ। स्वाइप लेफ्ट राइट टू चेंज बैकग्राउंड इज योर राइट हैंड क्लिक पिक्चर। ओके, फोटो ऐसे आई है। आप यहाँ से अपनी फोटोज डाउनलोड भी कर सकते हैं थ्रू दिस यूनिक कोड, एंड दिस इज द एड्रेस वेयर यू कैन डाउनलोड योर फोटोज, और यू कैन स्कैन द कोड एंड डाउनलोड डायरेक्टली। सारे छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेगी, उसके बगल में ये लेक। नैनी झील में आपको काफी सारी मछलियां देखने को मिलेगी। थोड़ी देर पकड़ दो उधर को। ये है नाइट में माल रोड की ब्यूटी, माल रोड नैनीताल। ये है नाइट में नैनीताल का व्यू। और ये नैनीताल का दिल्ली 6। देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ है रात में यहाँ पे। कुछ भी चिकन का आइटम यहाँ पे सब कुछ मिलता है।
दूसरा दिन नैनीताल में, और सुबह हम उठ नहीं पाए तो हम लेट मॉर्निंग उठ रहे हैं। मैं आपको लेट मॉर्निंग का बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, अभी तक धूप नहीं निकली है। और जो आज का हमारा प्लान है, आज का प्लान हमारा कुछ इस तरीके से, हम पहले बोटिंग करेंगे यहाँ पे जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। उसके बाद कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे अभी, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट जो भी करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पैडल बोट का स्टेशन है, यहाँ पे आप खुद से चलाने वाली बोट प्रति घंटा रेंट पे ले सकते हैं। इस तरीके से कुछ हमने पैडल वाली बोट ले ली है और अब हम निकल चुके हैं। पैडल मारते मारते काफी दूर आ चुके हैं हम। उधर की साइड आपको सारा माल रोड दिख रहा होगा। माल रोड से जो ये वाला नजारा है, इस बोट स्टैंड पे लगा दिए। ये नैनी लेक का साइड एरिया है, यहाँ पे लोग बैठ के अपना टाइम स्पेंड भी करते हैं। और यहाँ पे आपको काफी सारे स्पोर्ट कोर्ट देखेंगे, जैसे कि बास्केटबॉल और फुटबॉल कोर्ट। यहाँ पे शोज वगैरह भी होते हैं टाइम टू टाइम। आगे जाके मस्जिद है, एकदम स्टेडियम टाइप में बना रखा है। तो प्लान डिसाइड हो चुका था, हम एक्चुअली मुक्तेश्वर जा रहे थे, बट सडनली एज ए साइड नैनीताल का मौसम इतना ख़राब हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ कितना ख़राब हो गया। बारिश हो रही है बहुत तेज की। आगे नैनीताल की लेक है बट यहाँ से दिख नहीं पा रही है, इतना कोहरा है यहाँ पे अभी। प्लान बारिश की वजह से कैंसिल करना पड़ा, और सबका इसी के बाद हम दिल्ली चले जाएंगे वापस। पहाड़ों की बारिश, सो नाउ वी आर लिविंग नैनीताल। काफी अच्छे गुजरे हमारे ये 3 दिन 4 दिन। बस थोड़ा वो कल बारिश ने हमारे 2-3 प्लान कैंसिल कर दिए, बाकी तो सब ठीक था। और हमारी जो ट्रेन है वो 9 बजे से है काठगोदाम से। और अगर आप नैनीताल में रुकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यार, आप सुबह भी अगर नैनीताल से निकलोगे तो आराम से यहाँ पे पहुँच जाओगे। हम 6:30 बजे नैनीताल से निकले थे और अभी बज रहे हैं 7:45, और 7:45 बजे हम ऑलरेडी काठगोदाम के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। तो आराम से आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। बसेस वगैरह नहीं, तत्तलीताल जो बस स्टैंड है वहां से आपको इजीली मिल जाएगी। सुबह सुबह खाली होती है, आपको सीट भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा नैनीताल का ट्रिप। आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।